कृष्ण नगरी मथुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत पर चारा लेने गए एक युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। आज घटना ये हुई है, ज्वार काट रहे हैं, तार ऊपर से छिप गए, जैसे ही मूठा पक रहे बाजरा काटने में तुरंत करंट आ गया। और कौन था वो लड़का? लड़का नाम दीपक है। दीपक है तो क्या वो एक्सपायर हो गया? हाँ जी एक्सपायर हो गया मौके पे ही एक्सपायर। पुलिस से शिकायत की या मतलब यहाँ पर आए बिजली घर पर क्या बिजली घर पर आए एक्शन भी कछु सुनाई ना कर रो लगे कछु हमारे अंदर से जाने पूछे था मैं जान पड़ा आदमी। तो क्या चाहते हो क्या मतलब? हम ये चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना बार बार ना हो, इन बिजली विभाग इन तारों को टाइट करे, इन्हें टाइट करे। भाई फसल में खेती जोतेंगे तब सिट डाउन लो, खेत कटवाएंगे तब सिट डाउन लो, बिजली घर जाते रहो आते रहो और ये विभाग बिल्कुल नहीं सुनता है, पैसा दे दो तो सब काम करेंगे। जिसके लिए हम दुखद परिवार से जो है क्षमा प्रार्थी भी हैं और सो कहते हैं उनको भगवान शांति दे, किसी तरह इस दुख को सहने की क्षमता दे। और ये जो दुर्घटना हुई है इसके लिए हम विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं और विभाग के अनुसार जो भी कंपनसेशन प्रदान का जो होता है वो। दरअसल मामला कोसी कला थाना इलाके का है जहां पालेन निवासी दीपक अपने खेत पर काम कर रहा था। उसी दौरान युवक ने खड़े होकर किसी कारणवश अपना हाथ ऊपर किया तो तभी ऊपर से जा रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने पहुंचकर दीपक को स्थानीय हॉस्पिटल ले गए लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर विद्युत विभाग अधिकारी और पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।